गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सो आज है थर्सडे, हाँ थर्सडे है, और आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने घर के थोड़े से बाहर से, जहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क करते हैं उस जगह से। और टाइम हो रहा है 10, सुबह के 10 बज चुके हैं। हस्बैंड जा चुके हैं और हस्बैंड बस गए, निकले ही थे अभी, तो मैं नीचे उतरी थी गेट बंद करने के लिए, तो अभी से मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। और कल मैंने कपड़े धोए थे जो कि मैं पलट चुकी हूँ, लेकिन ये सूखे नहीं हैं अभी तक ठीक से, क्योंकि मौसम देख रही हो आप कैसा हो रखा है। मौसम धूप नहीं हो रही है, बादल बादल से हैं, तो ऐसे मौसम में कपड़े कहाँ जल्दी सूखेंगे ना। और यहाँ मैंने लड्डू के कपड़े फैला रखे हैं, ये भी नहीं सूखे हैं। और यहाँ मैंने कुछ अंडरगारमेंट्स वगैरह, सॉक्स वगैरह, ये सब यहाँ लगा रखी हुई हैं, तो ये भी नहीं सूखी हैं अभी। और आप मेरी आँखों की हालत देख सकते हैं, मॉर्निंग में बहुत स्वेल्ड हो जाती है। और यहाँ है मेरा आशीर्वाद लेता हुआ ऑस्कर। मेरे पैरों में क्या खाते हो? हाँ तो चलो आपको लड्डू से भी मिलवा देती हूँ। लड्डू भी उठ चुका है। लड्डू सबको हेलो कर दो, हेलो बोलो, हेलो। सो लंच मैंने बनाया नहीं है, और ब्रेकफास्ट मैंने बनाए थे मलाई वाले टोस्ट। मलाई वाले टोस्ट मैं आपको बता देती हूँ मलाई वाले टोस्ट बनते कैसे हैं। आपको जो दूध की मलाई होती है ना, वो लेनी है, उसमें सूजी डालनी है और सब्जी जो आप खाना पसंद करें, टमाटर, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, जो भी आप खानी पसंद करें, हरी मिर्च, वो डाल दीजिए चॉप करके, और उनको अच्छे से मिक्स करके ब्रेड पर इस तरह से कोटिंग लगा दीजिए और इनको सेक लीजिए, और बहुत ही यमी लगते हैं। नमक भी डाल, नमक तो डालना ही है, काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं, साथ में लाल मिर्च भी डाल सकते हैं पिसी हुई, वो आपकी मर्जी है आपको कितना स्पाइसी करना है, और उसको डाल के खाइए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज कपड़े नहीं धोने हैं मुझे, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी, थर्सडे पोछा नहीं लगता है, वैसे झाड़ू भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन बच्चा है ना घर में तो थोड़ा सा करना पड़ता है। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा चल रहा है। तो चलिए पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। और मुझे आप लोगों से एक छोटी सी बात करनी थी। आजकल ना यूट्यूब पे बहुत ही, मतलब इतना डिप्रेशन वाला माहौल चल रहा है ना, कि देखकर लोग यूट्यूब पर क्यों आते हैं, अपना मन बहलाने के लिए आते हैं, अपना टाइम पास करने आते हैं, लेकिन इतना डिप्रेशन वाला माहौल हो गया है यूट्यूब पर। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, आप सभी जान जाएंगे, सभी रिलेट करेंगे मेरी बातों से, कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, अचानक से बहुत फेमस हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में उनके मतलब वीडियोस जा रहे हैं, उनके व्लॉग्स जा रहे हैं, और अब उनको बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी पिक्स वगैरह लीक की जा रही हैं, और रिएक्शन चैनल वाले उन, बेशक वो सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं कि हाँ ठीक है हम इस यूट्यूबर के सपोर्ट में हैं, वुमेन पावर वगैरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक तो आप भी वही उठा रहे हो ना जो उनको बदनाम करने वाले उठा रहे हैं। तो देखो यार, जब वो टॉपिक, वो बात उठेगी ना, तो आप चाहे उनके फेवर में बात करो, चाहे आप उनके अगेंस्ट बात करो, बदनामी तो उसी यूट्यूबर की होने वाली है। तो अगर आपको सच में उनका इतना सपोर्ट है, उनको मतलब वुमेन पावर को इतना ज़्यादा मानते हो, इनकरेज कर रहे हो यूट्यूब इस प्लेटफॉर्म पर, तो आप उस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी आपको। आपको ठीक है, आपको प्रूफ दिए गए, तो आपका रिएक्शन चैनल है, आप कोई इन्वेस्टिगेशन चैनल नहीं है आपका। आपका चैनल जो है वो एक रिएक्शन चैनल है, रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ पर, यूट्यूब पर जो वीडियोज़ आती हैं उनके ऊपर ही आप दे सकते हो। आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या चीज़ें लीक हो रही हैं, कौन आपको मैसेज कर रहा है, उसके बारे में तो आप ना ही घुसे तो ज़्यादा बेटर है। मैं किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हर रिएक्शन चैनल वालों की बात कर रही हूँ। जो लोग इस मतलब टॉपिक पर वीडियो नहीं बना रहे हैं ना, वो तो ठीक है, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन जो लोग इस टॉपिक को लेकर अपने व्यूज़ कमा रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी सही बात नहीं है, वो सही चीज़ नहीं कर रहे हैं। और उनको बदनाम करने वाला, उस यूट्यूबर को बदनाम करने वाला उन्हीं की कंट्री का है,
तो अभी तक तो ये बात होती ना कि आप हमारी कंट्री को बदनाम कर रही हो, आपकी वजह से हमारी कंट्री का नाम खराब हो रहा है। अब वो ब्लैकमेलर जो है वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है कि मैं अपनी ही कंट्री की किसी लेडी के को बदनाम कर रहा हूँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो थोड़ा सोचिए इस बारे में आप लोग। आप लोग मैच्योर लोग हैं, मुझसे बड़ी एज के हैं सबके सब, लेकिन फिर भी बातें और हरकतें इस तरह की हो रही है ना यूट्यूब पर कि देख कर मन नहीं करता है यूट्यूब खोलने का। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता है, मेरा तो वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है कि जब मैं ही यूट्यूब नहीं देख रही हूँ तो मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरी वीडियोज़ कोई देखेगा। और एक चीज़ और, मेरी मतलब मेरा चैनल नया है और मैं उतना रेगुलर चैनल पर काम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी एक वीडियो को काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले हैं, काफ़ी अच्छे मतलब 10-20-25 हज़ार या मिलियंस या लाखों में नहीं है, लेकिन हाँ मेरी बाकी वीडियोस के मुकाबले मेरी वो कॉफ़ी और लेमन वाली जो वीडियो है उसके ऊपर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, और मैं उसके लिए आप लोगों का थैंक्स करती हूँ। और मेरे 50 सब्सक्राइबर्स आज कंप्लीट हो गए हैं, तो उसका सेलिब्रेशन भी आज मैं करूँगी। वैसे मेरे कंप्लीट कल ही हो गए थे। हाँ बेटा, डायनासोर हो। नहीं, तो आज कल मेरे 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे, तो आज उसका सेलिब्रेशन करेंगे, हम कुछ करेंगे, देखते हैं क्या करना है। और तो बने रहिए मेरे वीडियो में, मेरे व्लॉग में, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अपने जानने वालों को बोल दीजिएगा कि इस गरीब का चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो देखते हैं आज दिन में क्या करते हैं, और अपना 50 सब्सक्राइबर्स सेलिब्रेशन कैसे करते हैं। और मैं आप लोगों से के साथ ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मुझे एक कमेंट आया था, वो वैसे मैंने कमेंट डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे शर्म आ गई थी। एक्चुअली क्या है कि मैंने लगातार एक या दो वीडियोस में सेम स्वेटर पहना हुआ था, और तो मुझे कमेंट आ गया था कि स्वेटर चेंज, कपड़े चेंज कर लिया करो। एक्चुअली क्या है ना कि मौसम ऐसा हो रखा है कि कपड़े धो तो सूखते नहीं हैं, और मेरे पास विंटर्स के ज़्यादा कलेक्शन नहीं है क्योंकि मैंने ख़रीदा भी नहीं है, और कई सालों से ख़रीदा भी नहीं है, और जो मेरे पुराने कपड़े थे वो मुझे फिट नहीं आते क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ। तो बस वही होता है कि हम अंदर के कपड़े, जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो तो हम चेंज करते हैं, लेकिन स्वेटर क्योंकि सूखने में टाइम लगता है और स्वेटर से ही ठंड जाती है, तो वो हम डेली डेली नहीं धोते। मैं तो नहीं धोती हूँ, आप लोगों का मुझे नहीं पता, मैं नहीं धोती हूँ क्योंकि वो सूखेंगे नहीं, तो मैं रिपीट कर लेती हूँ। मेरा ऐसा है कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लगातार 2 दिन तक नहीं पहन सकती हूँ, मैं लगातार ऊपर के जो कपड़े होते हैं मैं वो मतलब रिपीट कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे इनर गारमेंट्स जो भी होते हैं, चाहे वो मेरे अंडर गारमेंट्स हों, चाहे मेरे अंदर वाले लोअर टी शर्ट्स हों या जो भी हो, वो मैं चेंज रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, वो मैं डेली चेंज करती हूँ। बस स्वेटर्स जो होते हैं ना, अपर वेयर जो होते हैं, जैसे कि ये जैकेट है, हो सकता है कि आप ये मुझे 2-3 वीडियोज़ में लगातार पहने हुए देखें, क्योंकि मौसम आप देख रहे हो मतलब पतले पतले कपड़े भी सूख रहे हैं, तो ये मोटी मोटी जैकेट्स वगैरह कहाँ सूखेंगी। तो बस ये उन्हीं के लिए था कि मैं डेली नहाती हूँ, मैं डेली कपड़े चेंज करती हूँ, लेकिन हाँ जैकेट और स्वेटर की बात आती है तो वो मैं रिपीट कर लेती हूँ। कहाँ है मिट्टी? तो मिट्टी क्या कर रहे हो तुम? ये मम्मा की चप्पल पहन के लड्डू ऐसे ना सर पे गिरेगी चप्पल। लास्ट टाइम की बताओ, मम्मा ने तुमको ब्लैंकेट उड़ाया था तो तुमने किसको उड़ा दिया? टेडी को। क्यों भाई, तुमको ठंड नहीं लगती है? हाँ इधर दिखाओ शक्ल जरा अपनी, इधर आओ। ये देखिए, मैं लड्डू को ब्लैंकेट उड़ाकर गई थी तो लड्डू ने अपने टेडी को ब्लैंकेट और ये खुद बिना ब्लैंकेट के है। वाओ, ये लड़का, मैंने इसको ब्लैंकेट उड़ाया था कि ठंड बहुत है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो टीवी देख रहा है या कुछ खा रहा है तो कम से कम ब्लैंकेट के अंदर रहेगा। लेकिन ये लड़का मुझे कॉपी करके, मैंने अपने बेबी को ब्लैंकेट उठाया था और लड्डू ने अपने बेबी को ब्लैंकेट उठा दिया। यहाँ देखो, क्यों किया ऐसा? गंदी बात ना। सो गाइस, घर के काम हो चुके हैं, बस अब मुझे और लड्डू को नहाना रह गया है। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बोल देती हूँ, मैं नहाने के बाद फिर से ये जैकेट पहनने वाली हूँ। और ना एक चीज़ और, मेरे पास ना ब्लैक पैंट्स बहुत है, मतलब मुझे अगर नीचे बॉटम लेना होता है ना
तो पता नहीं क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ब्लैक ही खरीद लेती हूँ। मतलब मैं आपको अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए, ये मैंने अभी जो पहना है ये ब्लैक पैंट है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अभी और दिखाती हूँ जो अभी ऊपर ही मेरे कबर्ड में ऊपर ही मिल जाएगा आपको। ये देखिए, ये भी मेरी ब्लैक पैंट है, ठीक है, और ये भी मेरी ब्लैक पैंट है। मतलब एक दो, ये दो हो गई। मतलब देखिए, एक मैंने फेंक दी, ये दूसरी है, और तीसरी मैंने पहनी हुई है। मतलब मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, जब भी मुझे बॉटम खरीदने होते हैं ना, मैं ब्लैक ही खरीद लेती हूँ। और अब अगर मैं दोबारा से अब ये ब्लैक पहनूंगी और आप लोगों को वीडियो में दिखेगा, तो आप लोग प्लीज़ ये जज मत करना कि मैं नहाई नहीं हूँ और मैंने सेम कपड़े पहने। मैं नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैंने कितनी लेयर्स पहनी हुई है और मुझे उतनी ही ठंड लग रही है। मतलब जो मैंने ये जैकेट पहनी है, आप ये देख सकते हो, ये बहुत ही वार्म जैकेट है। आपने अभी सुबह से देख रहे होंगे जैकेट पहनी है, बहुत मोटी सी जैकेट है और बहुत ही वार्म रखती है ये, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। इसके अलावा मैंने अंदर एक सेकेंड लेयर ये पहनी है, ये फुल स्लीव का स्वेटर है, ये भी काफ़ी गर्म है। लेकिन उसके बाद भी मैंने एक थर्ड लेयर पहनी हुई है और उसके अंदर मैंने एक स्वेटशर्ट पहनी है जो कि स्ट्रेचेबल है, वो भी फुल स्लीव है। मतलब चार लेयर पहनने के बाद भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितनी ठंड लग रही है। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं नहाने के बाद लंच करती, रूम में बैठ के लंच करती, और लड्डू को मैंने दूध का बॉटल दे दिया था, और ये देखो कितने अच्छे लगते हैं ना बच्चे सोते हुए, और शरारती बच्चे तो कुछ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब मैं इसको रूम में सुला देती हूँ बेड पर, और अब ये सो ही गया है तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। हेलो, और शाम नहीं रात हो गई है, मैं डिनर बना रही थी। मैंने सोचा कि आज मेरे 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं तो थोड़ा कुछ अच्छा बना लिया, तो मैं एग करी बना रही थी। और मेरे साथ क्या हुआ है पता है आपको, ये देखो, ये मेरा पूरा जो लाल मैंने पेस्ट लगाया हुआ है अभी यहाँ पे और मेरे कान के पास में, अंडा ब्लास्ट मतलब अंडा फ्राई करते टाइम वो फट गया और वो यहाँ आके चिपक गया। तेल की छींटे यहाँ थी और यहाँ अंडे का छोटा पीस था, वो कान के पास चिपक गया था और ये छाला पड़ गया और छाला मुझसे फट गया। इतना पेन हो रहा है ना, ये इतना पेन हो रहा है, इतनी जलन हो रही है। मैं फ़ोटो अटैच कर दूँगी अगर वीडियो में क्लियर नहीं है तो। मतलब जलने के बाद बनाए बनी अंडे की करी कैसी बनी है? नहीं, मस्त बनी। इसमें मेरे जलने का स्वाद है। नहीं, जब ऐसे बनाती हो नॉर्मल तो अच्छी बनती है, नहीं छोटी। अच्छी बनी है, तो हर बार जला करूं। और ये है हमारा 50 सब्सक्राइबर्स का की खुशी में दो पेस्ट्री। कोई बच्चा केक को देख के इतना रोता है क्या? मुझे तो खिलाए। मेरे सन के बारे में कुछ गुड विशेज या कुछ विशेज या कुछ बोलना चाहोगे? तो आज पता चला, तो आज पेस्ट्री आई है, ऑल द बेस्ट। और क्या बोलूं मैं, एहसान ऐसी स्पीच दी है, एहसान किया हो। तो ये था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन मेरे 50 सब्सक्राइबर्स के ऊपर, और मैं जितना मुझसे हो पाएगा मैं अपने चैनल को पूरा का पूरा टाइम और अपनी मेहनत ज़रूर करूँगी अपने चैनल के ऊपर। और मेरे इन 50 सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच। ये स्टार्टिंग में इन्होंने मेरी हेल्प की है। मतलब एक चैनल में जब तक एक दो सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, तो चैनल में कुछ डालने का मन नहीं करता है, लेकिन अब मेरे 50 सब्सक्राइबर्स हैं और जल्दी से फिर वो 50 से 500, 500 से 5000 और फिर 50,000, ऐसे करके वो इंक्रीज़ होते रहेंगे डे बाई डे, क्योंकि मैं मेहनत करूँगी अपने चैनल पर और मैं मेहनत कर भी रही हूँ। तो जितने लोग जुड़ चुके हैं मेरे चैनल से, थैंक यू सो मच। और बाकी लोग जो नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और करूँगी कि मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरूँ और मुझसे जो हो पाएगा मैं अपने चैनल के सब कुछ करूँगी।
और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो कैसी लगी, थोड़ा सा उसे मोटिवेशन मिलता है। तो अब मैं करती हूँ उस ब्लॉग का एंड, टिल देन बाय।